हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रिफाइनरी इलाके में दो बसों में टक्कर, दर्जन भर लोग घायल। सरहदी बाड़मेर जिले में बन रही देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी परिसर में बुधवार सवेरे मजदूरों से भरी दो बसों के बीच में टक्कर हो गई, जिससे दर्जन भर लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पचपदरा पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायलों को बालोतरा अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार बुधवार सवेरे 9 बजे मजदूरों से भरी दो बसें ओवरटेक के चलते असंतुलित हो गई, जिसमें एक बस पलट गई, जिसमें सवार दर्जन भर लोग घायल हो गए, जिसके बाद मजदूरों ने रिफाइनरी परिसर के अंदर हंगामा कर दिया। वहीं पुलिस ने तुरंत प्रभाव से पचपदरा रिफाइनरी परिसर में पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया तथा पूरे मामले को शांत करवाया। पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए नरपत सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, इन्होंने ये कहा। ये 9 बजे की बात है, रिफाइनरी के अंदर काफी मजदूर काम करते हैं, मजदूरों को दो बसें लेके रिफाइनरी के अंदर का रोड में मोड़ में एक बस के दूसरी बस से हल्की सी टक्कर हो गई। तो उस टक्कर में मजदूर थे, मजदूरों में आपस में थोड़ी बहुत कास नहीं हुई, हमें इतना मिली, हमने पुलिस भेज दिए और जो हल्के फुल्के चोटे आई इंजर्ड है उनको इलाज कराया जा रहा है और ऐसे कोई विशेष बात नहीं है रिफाइनरी के अंदर परिसर में। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।